भैया बीजेपी वाले कान खोल के सुन ले, जो देश बीजेपी का नहीं है ये देश है किसानों का, मजदूरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आज यमुनानगर में कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। खराब मौसम और किसानों के विरोध को देखते हुए सीएम खट्टर का कार्यक्रम रद्द किया गया, जिसके बाद किसानों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। मुख्यमंत्री का विरोध करने पहुंचे किसान नेताओं ने कहा कि खट्टर को पता था कि यमुनानगर में कैमला से ज्यादा बुरा हाल होगा, जिसके चलते सीएम ने अपना प्रोग्राम रद्द करवा दिया। उन्होंने कहा कि अब किसानों का अगला टारगेट 16 जुलाई को खेल मंत्री संदीप सिंह होंगे, उन्हें किसी भी सूरत में यमुनानगर में घुसने नहीं दिया जाएगा। हमने क्या तैयारी करनी, ट्रैक्टर घर पे खड़ा है, कलम मार के लेकर आना है, बैरिकेड प्रशासन लगाएगा, उनको तोड़ेंगे, लेकिन संदीप को घुसने नहीं देंगे यमुनानगर के अंदर। ये चेतावनी है खुली हमारी, 16 तारीख का जो प्रोग्राम है उसका विरोध होगा, वो डट कर विरोध होगा। आज पूरे हरियाणा में विरोध है इनका, नेताओं का, क्यों नहीं किसान की बात मान लेते। बिल्कुल चेतावनी है, प्रशासन को चेतावनी है, सरकार को चेतावनी है कि संदीप का प्रोग्राम यमुनानगर में नहीं होने दिया जाएगा। पीएम साहब ने पता था सीआईडी रिपोर्ट से भी कैमले से भी ज्यादा बुरा हालात किसान करेंगे, ये तो एक शोक सभा थी कमला वर्मा के यहाँ, हमने हेलीपैड का कोई वो नहीं दिया था, नहीं हम हेलीकॉप्टर में उतरने देते, वही हाल होता उसका। और परसों जो अभी गर्वंशी की मीटिंग तो नवीन महीने बाद होती है कि जानबूझ के किसानों के साथ टकराना चाहते हैं, संदीप सिंह को यहाँ बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और पूरी किसान अपनी ताकत आज किसानों को मैसेज दे दिया है कि आज कैंसिल हो गया, नहीं यहाँ हजारों की संख्या में किसान है। क्या काम करता है, अगर कोई लोकतंत्र में आवाज उठाता है तो प्रशासन उसको दबाने का काम करता है। किसान और मजदूर किसी भी कीमत पे नहीं दबेंगे, चाहे हमारे पे लाख मुकदमे दर्ज करो, चाहे जेल में डालो, चाहे गोली मारो, चाहे कुछ भी करो, लाठी चार्ज करो, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, कुछ भी करे सरकार। स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। नहीं ऐसा, दिल्ली आंदोलन को तेज करने के लिए, दिल्ली में क्योंकि मेन आंदोलन हमारा दिल्ली चल रहा है, उसको तेज करने के लिए एक तो अभी क्योंकि अब यहाँ बारिश हो गई, पहले किसान बारिश को तरस रहा था क्योंकि पानी की फसल के लिए पानी अब परमात्मा ने मेहरबानी कर दी है, तो अब दिल्ली की तरफ हमने ध्यान कर लिया। 20 तारीख को यहाँ से हजारों गाड़ियों का काफिला गदोला टोल बैरियर से दिल्ली को जा रहा है सभी किसान साथी, क्योंकि अब हमारा ज़्यादा ध्यान दिल्ली में, और ये सरकार चाह रही है जानबूझ के कि दिल्ली से इनका ध्यान डाइवर्ट करके छोटे छोटे प्रोग्राम जानबूझ के कर रहे हैं। हम दोनों तरफ 8 महीने से बोल रहे भाई। बता दें कि 16 जुलाई को खेल मंत्री संदीप सिंह की यमुनानगर में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक रखी गई है, जिसको लेकर किसानों ने कड़ा विरोध करने का ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि पुलिस प्रशासन के पास जितनी ताकत हो लगा ले, वो संदीप सिंह को यमुनानगर में घुसने नहीं देंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों भी यमुनानगर में संदीप सिंह का विरोध हुआ था। अब देखना होगा कि 16 जुलाई को किसानों के विरोध का आलम क्या होगा और इस दौरान प्रशासन की तैयारियां क्या होंगी। यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।